दुबई की सिम लो टिकटॉक चल जाएगी, यूएसए की सिम लो टिकटॉक चल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। और बाकी अल्टरनेट वे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम अशरफ मखलूकात, हमारे अंदर दिमाग बहुत है, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जुगाड़ी दिमाग डाला हुआ है, तो हम हर एक चीज़ का जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो तुम अपने आप को हल्का मत करो, कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, रिलैक्स। मैं 12 बजे तक बैठी हूँ, देखूंगी कौन सा बम फोड़ते हैं दिवाली पे आज। तुम यकीन नहीं करोगे यपी, मैंने टाइमर भी खोल रखा है नेपाल का, बोरे 12 बजे बाद बहना चाहिए। गाइस वी हैव 1 आवर लेफ्ट, 1 घंटा बजे। आयुष भाई आवाज नहीं आ रही, गाइस राज भाई को के नो वैकेंसी सारे वाला बनो ना एक्चुअली। ओ राज, राज भी जा रहा है। आज जिंदा हूं तो मुझे पीरा। टाइगर की रो रही है जी, टाइगर कल टाइगर देखना मैंने। मैं तो ये भी तमीज से लेती हूँ, पता है गाइस, एवरीबॉडी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते। गाइस राजगुरु इंडिया लेके वैकेंसी खोलने वाले ना, राजगुरु इंडिया को खुलेगी सहने के, उन्हें उनके साथ ऐड होना है क्या? ना नो वैकेंसी बोल रहे यार, सब लोग बोल रहे हैं इधर, कॉल कॉलिंग कॉलिंग बुला रहे हैं वो, लगता है आज भी आपको पेलेगा। आपको पता है मैंने उनका 37 का स्ट्रिक लिया। हाँ कल बोल रहे थे सब लोग, राज अभी टेंशन में थे, वो राज लाइक है। रुको रुको आयुष, एक सेकंड आज जिंदा हूँ तो मुझे पी लेने दो। ओके जाने दो गाइस, फॉलो माय इंस्टा आईडी प्लीज एवरीबॉडी, जो लोग हैं मुझे इंस्टा आईडी पे फॉलो करो, दिस इज माय इंस्टा आईडी, कहाँ है ये रही इंस्टा आईडी, तो मुझे तो गाइस सब लोग इंस्टा आईडी फॉलो करो प्लीज, ये इज्मा जमाली लेने दो पिला दो गाइस, ये वाली जिससे ये बनाई है ना, ये जिससे ये बनाई है, प्लीज मेक ये क्या बोलते हैं ऐसी वाली, क्या बोलते हैं जिससे भी बनाई है, या तो मुझे इंस्टा पे बताओ ना कौन है, ये वाली क्रिएट करो ना प्लीज, दिस वन क्रिएट, दिस वन ये क्रिएट किया था ना मेरी, मतलब सकली कैसे झाड़ू के बाल जैसे कर दी थी। एयरपोर्ट ठीक से लगाओ, वो जो एयरपोर्ट ठीक से लगाओ तो मिलाने भी नहीं आती, ये लड़की बहुत ही मतलब यार गांव की यार, लगाओ क्योंकि वो तुम्हारी वो ऐसे करके अंदर लगाओ ना, आ रही है अब से, हां पढ़ने के लिए इधर से, अब ठीक है आज जिंदा आयुष मुझे बात करने दो ना, गाइस प्लीज रिक्रिएट दिस वन इस तरीके से, ओके ये वाली आज मैं बहुत सैड हुई हूँ यार, क्या बोल रहे हो तुम लोग आपस में, मुझे तो बोलो, राजगुरु डाई को ज्वाइन करो, राजगुरु डाई को ज्वाइन करो बोल रहे सब लोग, क्योंकि राजगुरु डाई की वैकेंसी ऑफ है, ओके वैकेंसी ऑफ है, मैं उनको ज्वाइन नहीं कर सकता। ये क्या बोल रही है, अभी नहीं पता नहीं, अभी नहीं, अच्छा क्योंकि मुझे तुम्हें ये आवाज बहुत मतलब ऐसे आ रही है जैसे ये पता नहीं।
होती, लेकिन मैं अपनी दुआ इसी जगह वेस्ट क्यों करूं, चलो कर देती। जानती मुंह देखा वेस्ट बोल रही है बेशरम। गाइस मुझे हैंड आर्ट मार दो आज। 40 मिनट बाकी है, एक बैंड होने क्या कुछ कुछ सब कुछ इस चीज देने चाहती हो? नहीं नहीं मैंने टाइमर खोल रखा है, 12 नहीं बजे अभी। लो जी टाइमर भी है, फोन नीचे ही रखा है टाइम लगा के। वैसे मुझे पता है मेरी आयुष फैमिली की जो है दिवाली हो गई है, मुझे देख कर दिवाली देख के न्यू ईयर तुम्हें यार जैसा बम फोड़ा है ना वो दिवाली बेसिकली। वैसे देखा जाए तो मैंने कहा था टिकटॉक वाले को ऐसे मत को बेटा, शायद तुम पे गुस्सा हो जाएंगे। लो 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 लिपस्टिक लगाती हूँ गाइस कोई या वो तो मूड अच्छा हो जाए। क्या कह रही है यार ये मिसाल है, दिमाग पे मांगा लगे दिमाग पे लगे दिमाग पे कैसा मजाक उड़ा रहे हैं, हार्ट अटैक आने वाला है। कब मजा? अच्छा आप पता है कब इनको कब मजा आएगा? इनको कल आएगा। किनको यार? इनको कोई दुख ही नहीं है यार, जाओ तुम लोग। शोभा दीदी टिकटॉक बैंड हो गए। शोभा दीदी बोलेंगी तो क्या मैं तो यूएस में हूँ? हाँ मैं सबसे पूछ लिया है, जो 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 मेन मेन लोग हैं वो बाहर रहते हैं। हाय हाय अब मैं टिकटॉक पे, मैं तो सोच रही थी मैं तो लिपसिंग करके वीडियोस बनाऊंगी आज, मतलब ये 50 की तो टारगेट कर दिया मेरी यार, कसम से 3 दिन हो गए यार अब तो करके, टिकटॉक भी चले जाएगी और उसके बाद जो कॉइंस वॉइंस सब जाने से अच्छी तो मतलब मुझे ओहो अब इसमें मेरो माया वहाँ पे जाके नेपाल में क्या करेगी मीरो करूंगी सब चलेगा। बहुत टेंशन है, मैं नहीं आ रही क्या करूंगी चाची चाची और वो गाइस इसमें तो नेपाली सारे सॉन्ग भी जो है ना सेव करके रखे थे कि हो ट्रांजिशन वीडियोस बनाऊंगी। अब क्या होगा से बीमार हो गई, एक्शन से पहले रिएक्शन मत दिखाओ ना, एक्शन से पहले रिएक्शन। इज्मा दिखा रही है, हम तो चल बैठे हैं यार, इज्मा दिखा रही है, इज्मा को बोल ही रही हूँ यार क्या हो गया दिल है मेरा। इज्मा तुम एक काम करना, मैं तुम्हें एक अल्टरनेट वे दू, तुम ना अपनी सारी टिकटॉक इंस्टा पे पोस्ट करना। मैं करती हूँ आजकल वो वैसे भी, पर कोई लाइक ही नहीं करता। इज्जू नेपाल नहीं जाएगी अब क्या? थर्ड मारूंगी मैं, आऊंगी वीपीएन जिंदाबाद। गाइस कितना टाइम रहेगा बैन होने में? व्लॉग्स बनाऊंगी, व्लॉग्स मैं बोल रही हूँ कि रिज्मा थोड़ी देर और टिकटॉक रही ना, अभी लाइफ रही ना तो रिज्मा के दिमाग पर बहुत असर पड़ने वाला है। जी नहीं कोई ऐसे बात नहीं है, नोइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू किरण, देखो थोड़ा सा टाइम। एक बार बताती हूँ, एक बार ना दुबई में भी आई थी न्यूज ना, मतलब खलीज गल्फ सब ने लगाई थी कि टिकटॉक ना बंद कर देंगे बंद कर देंगे। उसके बाद सब ऐसी सब क्रिएटर्स आकर ना रो रहे थे लाइव पे भी, और ना उन्होंने वीडियोस वगैरह भी बना दी थी, दिस इज आवर लास्ट वीडियो बाय बाय टिकटॉक, लेकिन हुआ नहीं कुछ भी। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, मुझे तो दुख नहीं लग रहा क्योंकि यूट्यूब है ना टिकटॉक से, तो मुझे भी नहीं, मुझे नहीं। हाँ यूट्यूब की मतलब अच्छी है, मतलब यूट्यूब ज्यादा और एक प्लेटफॉर्म से ज्यादा, हमारे यूट्यूब बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए मुझे कुछ नहीं हो गया। अगर हमारे यूट्यूब में अमेजन के साथ में जुड़े तो मुझे पता अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूट्यूब भी स्ट्रॉन्ग है, इंस्टा भी स्ट्रॉन्ग है और इज्मा का भी, फिर भी जिसका जिसका फर्स्ट व्लॉग 1 मिलियन पे जाए उसकी शक्ल ऐसी होती है। बिकॉज़ मुझे टिकटॉक फीवर है, टिकटॉक फीवर। अरे क्या कर रही है लड़की, क्या इस बार मैं तुम्हें बुरी कर दूं अभी? हाँ बहुत ज्यादा लग रहा है तुम्हें दिल पर, मतलब ज्यादा ट्रॉमा हो रहा है उसको, हिट हो रहा है मेरी नेपाल फैम के लिए। वो मैं कैसे बनाऊंगी, मुझे तो बड़ा दिल होता था देखने वाले, सब लोग देखेंगे कुछ नहीं होता है, मतलब
पहले होने तो ना अच्छा कितने सुनो, यार एक मेरी बात सुनो इसमें, जब रो मत इसमें, रो मत इंडिया में इसमें, उसका रो मत यार, रो मत प्लीज यार इसमें, क्यों रो इसमें यार ये मत इसमें, करना प्लीज यार, ये नहीं करना प्लीज यार प्लीज। दे इसमें तो रुकिए यार, जाओ यार अल्लाह, जाओ उधर जाके टिकट जाओ। नहीं नहीं रोएगी नहीं मेरी बहन, इतना नहीं रोएगी यार इस बार प्लीज यार, इस बार देख इधर, देख ये वो देख इधर, क्रिंज लग रहा है यार थोड़ा सा, इधर आ जाए इसको, जाओ यार उधर फकाओ उसको। अरे क्रिंज नहीं है ये, मेरे दिल की फीलिंग है। इसके दिमाग में इधर आ जाए, सब लोग मुंह देकर इधर, मैं तो मारूंगी ना इधर, क्रिंज की दुकान इधर आ देखा मैं तुम्हारा दिल चाह रहा हूँ, तेरी प्यारी प्यारी तड़पाए मुझे सारी रतियाँ, प्यारी प्यारी क्या हो गया तुम लोग। देखो इस बार जब म्यूजिकली बंद हुआ था ना तो तुम्हारा ही जैसा हाल था वो मिस्टर फैसू का, देखो अब उस इंस्टा पे के पास देखो मैं कुछ नहीं होता, क्या हो गया यार दो रहा दो बेसुरी तेरी प्यारी प्यारी दो मक्खियाँ तड़पाए मुझे सारी रस्सियाँ। अरे भाई आप करो हमारे साथ क्या सोच रहे हो, आयुष ट्राई, आयुष ट्राई भाई, 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 मां आओ ना यार भाई, रुक 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 इस बार रुक रुक गाना लगाओ, थैंक यू आयुष भाई, ऐसे ऐसे ओके लो ओके। कौन है लव इंस्टाग्राम बुआ पहले मैं सॉन्ग लगा रहे हैं, लोग करते हैं ऐसे लाइफ में। भाई भाई आपके पास एनर्जी ड्रिंक है, आपके पास एनर्जी ड्रिंक पड़ी है, खत्म हो गई है वरना पीते नहीं वो मस्त। वाओ क्या अच्छी, क्या यार ये ऐसे ही नहीं करो, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करो गाइस 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 गाइस, सब लोग के की फूल मारो, एवरीबॉडी के की एएसएमआर, ओके क्या फूल मारो। अरे क्या हो गया यार, ये क्या हो गया यार, तो आप जो कह रहे थे सही, आप करो सही गाइस, सब लोग एक एक फूल मारो 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 मारो, आज तो पेलम पाल करो, आज तो पेलम करो मिस्टर या मिसेस ला मोटानोस है, मिस्टर फूल एक एक फूल मारो, एक एक फूल मिस्टर ये फूल डालोस, लो करो फूल डालो, क्या हो यार टारगेट रीच नहीं करते यार, कैसे लोग रीच नहीं हुआ टारगेट, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा हुआ केही छैन, हामी यो गेमलाई यतिकै नै जित्न सक्छौँ, डबल र ट्रिपल पिन है, सबजनाले आफ्नो औँलाको टुप्पोले ट्याप ट्याप गर्नु मेरो स्क्रिनमा, मेरो फोटोमा म जता यता बोलिरहेको छु त्यसमा ट्याप ट्याप गर्नु सबैजना मिलेर है, सबैजना ओके सबैजना मिलेर ट्याप ट्याप गर्नुहोस् मेरो स्क्रिनको अगाडि, मेरो नाकको टुप्पोमा सबैजनालाई ट्याप ट्याप गर्नु पहिला पाल पुस, 4000 जना मेरा मुटुका टुक्राहरू, जितने लोग बैठे हो 4000 जना कृपया मेरा मुटुका टुक्राहरू स्क्रीन पे सबैजना बार बार नाकको टुप्पोमा उंगली मारे, ट्याप ट्याप गर्नु बार बार, अब दी उंगली स्क्रीन पे दे दे के मारे बार बार, इससे करने से मेरा जो स्कोर है, जो लाल बत्ती दिख रही है ऊपर इतनी सी मेरे साइज की, इज यार थोड़ा स्ट्रांग होने और व्हाट इज दिस यार, इज यार सच अ बोरिंग मैच, डिस्कस्टिंग सच अ बोरिंग मैच, ओ वाओ खुद जैसे 1 मिलियन का स्कोर लेके आया मैं, ओ माय गॉड डिस्कस्टिंग, वही बात नहीं ठीक है, 500 600 के आगे 3000 भी 1 मिलियन नहीं होती है यार गाइस, सही है तो यानी तुम लोग मेरी बेइज्जती करवा रहे हो, ठीक है मतलब भाई को देखो कैसे मुझे बोल रहे हैं, अभी भी तुम लोग देखो प्ले नहीं कर रहे हो कोई एक, नहीं नहीं सुनी मुझे मैसूरा, अरे गाती हूँ ना मैं तेरी प्यारी प्यारी दो गाती हूँ, क्यों नहीं गाऊंगी यार, अल्लाह की कसम भाई कोई आ जाए स्नाइप कर दे मजा आ जाएगा, दिखाओ ना तुम एक बार स्नाइप करके दिखाओ, उसके बाद में मतलब बार बार स्नाइप करता रहूंगा, है किसी में कोई कोई पावर है, किसी एक में पावर हो कसम से, आज के खिलाफ में किसी की पावर नहीं चलती, अच्छा ऐसी बात भी नहीं है, कोई तो होगा, कोई नहीं है, कोई तो होगा अभी नहीं है बट होगा, ये लो फिर से हार गई,
ये जो चार गेम तुम मतलब इधर बैठे बैठे अपने भूता दिखा दिखाते हार गई हो पता चली या नहीं तुम्हें? चार गेम ऐसे नॉन स्टॉप आते जा रहे हो तुम तब से? ऐसे मत बोलो यार, राज भाई को ज्वाइन करूं मैं? हाँ करते हैं उनको ज्वाइन। पर राजदा आज बहुत स्ट्रांग जैसे लग रही है मुझे, वो किसी और के साथ जा रहे हैं। आज एक काम करो, उनके साथ आप खेलो, क्योंकि मुझे तो आप बोलते हो कि तुम्हारे साथ पीलम पाल नहीं होता और ऐसे और वैसे, आप उनके साथ खेलो फिर वो आपका पीलम पाल कर देंगे। नहीं मैंने जीता था कल राजदाई को दो दो गेम विस्टअप ओए की मैंने जीता सची था कल। अरे यार हमारे में शेख मतलब नंबर वन शेख को मैंने इधर छुपा के रखा हूँ बार बार से अंडरवर्ल्ड वर्ल्ड से। राजदाई को मैंने रिक्वेस्ट भेजा है वर्ल्ड, आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं, बट भेज दिया हमने। पर नहीं आ रहे यार राजदाई। ऐसु। हाँ बोलो बोलो। नहीं आ रहे, किसी और के काले साथ प्ले काले कर लो, क्योंकि काले मैं दो तो अखियां। राजदाई मैं कमोन देखना चाह रही हूँ। कमोन राजदाई। आयुष भाई 11:45 हो गए, कुछ 20 मिनट हाँ बचे, अभी मुझे अभी नहीं बाहर लगता नहीं 12:45 होगा। भी हो जाएगी, ठीक है 1:45 भी हो जाएगी, परसों गाइस तो नहीं नेपाल लग भी रहा चले बैन होगी, जाएंगे होनी होती क्योंकि ना शाम तक हो चुकी होती, और जो जो नेपाल से लाइव आए हैं वो एकदम परफेक्टली बैठे हुए हैं। तेरी काली काली जो अखियां। गाइस जाके रवि दाई काली को काली बोलाओ नॉट काली आज, काली। मतलब रवि दाई के साथ तो लास्ट मैच खेल लेते यार। कम ऑन लाइव शेयर ग्रुप सब जान रवि दाई बोलम। ओके रवि दाई के साथ आज लास्ट मैच तो आने पड़ने हैं यार, रवि दाई या तो राज दाई बोलो कौन सी, मतलब आज लास्ट दिन अगर हो गई तो एक अच्छी सी बिग मैच तो रख देते। राज बहुत स्ट्रांग है, उसको हरा दो। और भी लाइव मजा आ शेयर करो जाएगा। पूरा पहलम पल। ओके रवि दाई इज कमिंग यार। ब्यू लाए ओके तो एक बूम्स लाए था हम जो जीते हैं, बूम्स तो हारी आली। यार बेचारा इट्स वेरी ओल्ड। हाँ ये बहुत पुरानी ट्रेंड है, बट मुझे याद है। छोड़ी प्यारी प्यारी दूर। आयुष भाई हम ना 12 बजे तक बैठेंगे, अभी 11:20 होने वाला है, तीस मिनट बचे हैं नो बस। नो गाइस ये देखो आयुष, गाइस देखो अभी कितना बड़ा बच्चा हो गया है ये देखो। अब अरे हटा यार मेरे साथ। तो प्यारा भी लगता है यार थोड़ा बहुत। ठीक है बट ठीक है नहीं आई एम गोना मिस योर बकबक। भाई करी ना मार भाई कहाँ जाएगी, मतलब आप लोग देख सकते हैं। और वैसे कोई बड़ी फुल बात नहीं होगी गाइस, जैसे कि पहले आप लोग मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट टिकटॉक खोलते थे इजीली, तो अब मतलब बस जाके वीपीएन यूज करनी, वीपीएन को खोलनी पहले, तो उसके बाद टिकटॉक खोलनी यही है। अब पहले एक ऐप खोलते थे तो अब दो ऐप खोलनी पड़ेगी आप लोग को, बस इतनी बात है। मतलब इजीली लीजिए इतना, मतलब ऐसे सोशल मीडिया से इतना भी अपने स्तर में नहीं लेना चाहिए कि खुद पे मतलब आनी है, ठीक है। चलो अली अली को भी बजा दो आज। हाँ इस बार क्या हुआ यार? अरे 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 यार मेरी मेरी ये टारगेट रिलीज कर दो आज लास्ट तुम में। नहीं समझोगी, मुझे तो ये बात समझ भी नहीं आ रहा। मैं तो फिर मतलब सिर्फ मतलब इन लोगों का 1% लेके बैठती हूँ, इन लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ी। नहीं ना रीजन देखो, मैं तुम देखो ठीक है, हमारे जो लोग हैं ना तुम्हें हमें हम हमारे जो फैमिली ये कोई दिखने वाले हैं, हाँ है ही नहीं। अगर ठीक देखो तुम है। दो साल बाद भी आओगी वो ना इधर, हमारे लोग इधर ही रहेंगे। वो टिकट बैन हो गई तो भी मतलब बात तो ठीक है, बट हम इनके एक पीछे हाँ छोड़े ना, तो भी मिली। हमारे 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 पीछे हमारे लोग नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारे पीछे लगे रहेंगे, क्योंकि सब कुछ यार एज अ मतलब उनके बच्चे की तरह है इनके तरह हम ऐसे लेते हैं, तो कहाँ घूम गए इसी तरह वो लोग घूमते घूमते आएंगे आने। गाइस आज लास्ट डे ये हो बात सकता है है, मेरी वीडियोस पे जाके सब लोग लाल दिल ये एक ऐप से, फेंकता। तो ऐप तो डजंट मैटर उनके मतलब ब्लॉग में, उनके ब्लॉग पे मतलब जहां भी हम होंगे उधर ही वो लोग पहुंच जाएंगे, चाहे जो भी हो कुछ भी ब्लॉग या तो काम भी देखेंगे कौन करेगा। से ये लोग, वो हाँ ब्लॉग ब्लॉग तो तो ब्लॉग तो अब और अच्छे से दिखेंगे जो मतलब आप नेपाल की लाइव सब। स्ट्रीमिंग दिखेंगे।
गाइस मैं भी आप सबको यही बोलूंगी, अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, अपना दिल और बड़ा कर लो. बिकॉज अगर ये देखो हर एक चीज में ना अलग ही मसलियत होती है, ठीक है. तो जस्ट इट्स ओके, जितने भी फैन पेजेस है वो इंस्टा पे एक्टिव हो जाए. वी विल, अगर ऐसा होता है तो हम दोनों है ना, वी विल कम विद अल्टरनेट वे, नो प्रॉब्लम. आप लोग इस बात की वो मत लो कि अलीज आयुष को कैसे देखेंगे, ये हम बताएंगे आपको. दैट्स इट, नो प्रॉब्लम. कोई ना हम आपको छोड़ के जा रहे हैं ना आप लोग हमको छोड़ के जा रहे हैं, बस एक टिकट छोड़ के जा रहे हैं तो फिर क्या हो गया. हां इट्स ओके, हां चलो अच्छा किया गाइस. जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया मेरे पोस्ट में कर दो, बहुत कम टाइम. सब लोग लाल दिल करके आओ, मैंने ना पिन करके आई हूँ वो वाली पोस्ट पहले से कि आप सब कर दो. सब लोग कमेंट करके आओ मेरी पिन पोस्ट पे, लाल दिलों के लाल दिल. गाइस इससे ज्यादा अच्छी आवाज आती है या फिर टुनटुनों से इससे अच्छी आवाज नहीं आती. तुम लोग वो वाली चीज लगा के बैठो जो वही यार, इतना मतलब लाख लाख सब्सक्राइबर कर दिया है, लाख लाख मतलब ऑलमोस्ट हाफ एंड हाफ मिलियन कर दिया है अली जी के में इधर उधर हमारे यार, इतने दिया यार सब कुछ आप लोगों ने यार, तो क्यों सैड होते हो यार आप लोग यार. नो वरीज गाइज यार, नो वरीज, क्यों सैड, वाई सैड. ठीक है, थैंक यू सो मच उमीन ब्रदर. सो अब ऐसी तो कोई बात नहीं है कि सैड होने की, ठीक है. बस अब कोई बोल रहा है टेम्पररी ब्लॉक एक बंद, कोई बोल रहा है परमानेंट बंद, चाहे जो भी बंद हो. ठीक है, हमारे तो मतलब रास्ते खुले है बहुत ही. और अब टिकटॉक के तो टिकटॉक है, वही तो वही तो सब रास्ते खुले. अब सबके सब वो तो वेबसाइट डिलीट कर नहीं सकते, मतलब बंद तो कर नहीं सकते. ठीक है, एंड कोई बड़ी बात नहीं गाइस, टिकटॉक बंद भी हो गई तो यार अब यूट्यूब में जाएंगे तो उसके बाद तो जहाँ जहाँ बंद मतलब बैंड हुई है टिकटॉक हर जगह के लोग देखेंगे, उसके बाद तो और अच्छी होगी. ठीक है, तो नो वरीज. आयुष भाई पहले ऐसा हुआ है क्या कभी? हाँ नेपाल में पहले कभी ऐसा हुआ है टिकटॉक? हाँ पहले भी हुआ है, जैसे होती रहती है उधर. कब हुआ है, मतलब कितने साल पहले, कुछ याद है? वेलकम सहिता दीदी. तेरे साल तो है ना यार, एक वर्ष के भीतर ही हॉस्टला है, एक साल के अंदर ही हुआ यार, ज्यादा मतलब टाइम नहीं हुआ. पहले भी ऐसे होती रहती है नेपाल में यार. हाँ तो अगर होती रहती तो मैं यही बोलती थी लोगों की क्या पता अनबैन हो जाए. पहले भी गए एक बार, नहीं हुआ था टिकटॉक की मतलब कुछ बातें आ रही थी, वन एंड हाफ ईयर हो गई. हाँ ऐसे कुछ मतलब हुई थी, नहीं 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 हुआ, नहीं हुआ बोल रहे लोग. ठीक है, पर हुई थी गाइस एक बार, हुई थी बहुत पहले हुई थी. दुबई में तो आज तक नहीं हुआ क्योंकि दुबई में नहीं सकता. पहले से बात आया था बट गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं हुआ था आई थिंक. अब कोई नहीं गाइस, अब बैंड भी हो गई ये था. ठीक है यार, है ना हामी मतलब परिवार भनेको जहाँसुकैबाट नि जोडिन्छ है, यताउति सोसियल मिडिया चाहिने भन्ने कुरा नि छैन, होइन. सोसियल मिडियामा कमाउनु कमाइसक्यो मान्छेहरू यत्रो, होइन, जेसुकै चाहिएको थियो सबै जोडिसक्यो, होइन. त्यही हो कुरा, ओके अन्त. सो डोन्ट बी स्याड यार भाइ, अब जो भी होगी होगी आज, मतलब क्या हुआ क्या हुआ? मैं बोल रही थी मैंने तो सोचता मैं जाऊंगी नेपाल, मस्त टिकटॉक बनाऊंगी. टिकटॉक बनाऊंगी, टिकटॉक वाले ने बोला जाओ यहाँ से. कोई नहीं कोई नहीं, अब नेपाल जाएंगे तो ब्लॉग बनाएंगे मस्त, और रील्स वील्स बनाएंगे ना यार. इंस्टाग्राम भी है यार, इंस्टाग्राम भी तो टिकटॉक की तरह ही, तो थोड़ी रील्स वील्स डालेंगे ऐसे ऐसे कदम. हाँ कोई बात बड़ी बात नहीं है गाइस, यूट्यूब है इंस्टाग्राम है यार सब कुछ है. अगर टिकटॉक बैन भी हो गई तो वीपीएन है सब कुछ यार, कोई ऐसे मतलब डिस्कशन करने वाली कोई बात नहीं है. ठीक है, अब गवर्नमेंट की तरफ से तो हम तो मतलब देखो हमारे तो हाथ बांधे पड़े हैं. ठीक है, अभी तक मतलब कितना नेगेटिव डिसीजन भी लिया है गवर्नमेंट ने, कुछ पॉलिसी भी लिया है, पर हम जब नेगेटिव लेते तब तो मतलब हमारी हाथ खुली नहीं रहती. तो अब मतलब ये टिकटॉक बैन होने में कौन सा किसकी खुलने वाली हाथ, तो इसमें ज्यादा वो डिस्कशन करने की बात तो नहीं है. ओके, सो अल जी भी आ रही है गाइज, अल जी आ रही आ रही अल जी आ रही है. ओके गाइज, सो डोंट बी सैड यार. यूट्यूब में भी मतलब आजकल ऐसे ही बैठ सकते हैं, हमारे में तो मतलब वो फ्यूचर है क्योंकि हमारे तो वेरीफाइड है ना यूट्यूब 1 लाख सब्सक्राइबर से, तो हमारे में तो होती है ये फ्यूचर ऐसे गेस्ट में जाना, मतलब अल जी में साथ ऐसे आ सकते हैं जैसे कि इज्जोर में अभी बैठ रहे. कहाँ पे? यूट्यूब में, यूट्यूब की लाइव में. तुम्हारी में भी होगी शायद, तुम्हारी भी वेरीफाइड है ना, सीआरपी बटन आ गया ना तुम्हारी भी. हाँ मेरी भी वेरीफाइड है, होती है. आई होप सो.
आज फाइनल तीनों को ज्वाइन कर लो। हाँ अबे ये पे आगे तो हम तीनों फाइनल ज्वाइन कर लेते हैं। यस 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 ओके ओके ओके। इसमें मैं एक बार लाइव बंद करके आऊं, मेरी मतलब पता नहीं, मतलब ये स्किन बहुत ही हो रही है यार। हाँ भाई करे करे मस्त। गाइस मैं एक्चुअली लाइव बंद कर रहा हूं, चलिए तक हम ऑलमोस्ट 6,000 पीपल उधर ज्यादा हो चाहिए उधर इजुको में जाना। ओके मैं इसे लाइव बंद कर आया हूं ल। ओके गाइस एंड डिस्कस कर रहा हूं। ओके हाय द मैं एक्चुअली मेरे को किन मतलब स्किन किन फोन बिग्रे है ना तो वाला की प्रॉब्लम था फोन में। आई मैं इसे एक लड़ लाइव बंद कर आया हूं। ओके यूट्यूब जान राम्रो स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम हुन्छ रे त्यही त। केही छैन गाइज म उता एकछिन उता सबजना उता जान्थेँ हिजोमा म लाइभ लाइभ एन्ड गरेर आइहालेँ। ओके सुसु आयो भाइलाई अरे होइन सुसु होइन कस्तो भनेको स्क्रिन मेरो फोनको कारणले हो अलिकति प्रब्लम छ एकछिन म एन्ड गरेर आइहाल्छु। ओके सबजना लाइभ सेयर गर्नुहुन्छ त्यसपछि त आएपछि लाइभ सेयर गरेर बुम बाम ट्याप ट्याप गरेर पेलम पाल गर्नु। ओके वेट युट्युबमा लाइभ बसिन्छ अब टिकटकमा खै दाइ त्यो त अब हेर्ने गर्छ भिभियनले गर्छ होला सायद कस्तो बनाउँछ निनाले अब रुल्स। त्यही त बिहान सानो त्यो कुरा मैले अघि बिहान उठेर सुन्छु त के के कुरा आउँछ त त्यही त नि के मलाई पनि झ्यापझ्याप म्यासेज आयो। म त अब कस्तो नि छोटो समयमा मैले त्यो ऱ्याङ्किङ छिटो पुस गरेर अब 34 पुऱ्याएको थिएँ। त्यही पनि अब हाम्रो हाम्रो रवि ब्रोको मार्फत मैले त गरेको थिएँ। हजुर खै दाइ के अरे यस्तो भन्दा चाहिँ उता के अरे अब के अरे पर्मानेन्ट त होइन केही केही समयको लागि टिकटकलाई बन्द गरिने भनेर नि यस्तो यस्तो कुरा नि आएको छ हाम्रो उता माथि। अनि फेरि कुनै कुनै अब त्यही त नि दाइ होइन अब सोसियल मिडियामा कसरी बढाइ चढाइ चटपटी बनाइन्छ यताउति सानो सानो कुरालाई नि। अब खै मैले मैले त्यही उताको उताको के अरे माथिको हाम्रो कार्यालयको म त भर्खरै बल्ल 2 त भयो म टिकटकमा आएको। अब जस्तो तिमीहरूले अब तिमी रवि दीक्षा अब यिनीहरूको कुल बोइ यिनीहरूले हो कि कुराहरू थाहा पाउने अब के छ त अब यो अप्सनै क्लोज गरिदिनु लागेको हो कि सरकारले भिपिएन त युज हुन्छ दाइ भिपिएनले त त्यो प्रब्लम हुन्न हजुरको खोल्न मिल्छ टिकटक भिपिएनले युएसए युएसए सिएसए कनेक्ट गरेर यताउति कनेक्ट गरेर नि जुन ठाउँमा चल्छ टिकटक त्यहाँको सर्भर कनेक्ट गरेर यतिकै चल्छ भिपिएनले त नो त्यो केही प्रब्लम भयो त राम्रो भयो किनकि त्यो त रोक्न सकिँदैन दाइ त्यो क्रेज बसिसक्यो नि त अन दाइ है। अनि कहिले फर्किन्छ नेपाल? म दाइ यो 24 कि 25 आउँदैछु दाइ नोभेम्बरमा। होइन बुहारी पनि आउँछ सबै आउँछ बुहारीले नै अब फेस देखाउने कुरा भइरहेको छ दाइ ए नेपालमा खतरा गर्नुपर्छ है फेरि त्यतिकै अनुहार देखाउनु त्यो त त्यो त हाम्रो ठ्याक्कै 1 एनिभर्सरी छ नि त दाइ अब ठ्याक्कै कति 15 हाम्रो डिसेम्बर 2 अनि दाइहरू नि आउनुपर्छ सबैजना आउनुपर्छ सबैलाई हजुर दाइ काठमाडौँ नै हो। ओके म आउँछु म आउँछु। अनि सुन न आयुष अब हामी त त भइयो जस्तो अब हामी अब टिकटकमा यदि हुन पाइएन भने हजुर दाइ मैले नि त तिमीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो। हजुर दाइ हामी त उसमा जोडिँदैन नि दाइ वाट्सएपहरू यताउति। ओके ओके मलाई इनबक्स ओके है म यसपछि इनबक्स गर्छु नि हजुर हजुर दाइ हुन्छ हुन्छ है हुन्छ। अब यस्तो त्यही त अब कस्तो बाध्यता बनाइदियो कि त्यही त दाइ लास्टै त्यो कस्तो 81 है अब हुन नि दाइ कस्तो चलन के चलरहेको थियो कि दाइ यो एपमा के अब एउटा ठाउँमा विकृति होइन एउटा ठाउँमा राम्रो कुरा चल्दा छैन अर्को ठाउँ फेरि दसवटा ठाउँमा फेरि यस्तो यस्तो नाना थरी दाइ पछिल्लो समय म पनि जाँदाखेरि अलिकति नराम्रो त फैलिएको थियो केही न केही त हुन्छ होला भन्दा भन्दै अब कस्तो भयो भने छिटै डिसिजन लियो नेपाल सरकारले। के हुन्छ अब ठिकै छ अब जे हुन्छ राम्रै क्लाइम हुन्छ दाइ अब सर्ट पिरियड टाइमको लागि पनि भनेको सुनेको थिएँ मैले त अब हेरौँ अब ब्यान भएपछि थाहा हुन्छ त अब कसरी अब कति के कस्तो गर्छ त्यो त राजनीतिक कुरा हो अब के भन्छ होइन। अनि तिहार उतै मनाउने हजुर दाइ तिहार मेरो नेपालमा नहुनुभयो दसैँ पनि भएन तिहार पनि भएन यताको त्यो एमरेज कार्डले गर्दा अब आज मन्डे थियो दाइ विकेन्ड सक्यो आजदेखि आज मेरो त्यो कुरा कार्डको कुराहरू आउँछ भनेर सोचेको थिएँ आज आएन अब सायद भोलि कि त पर्सिमा आउँछ होला
हुन्छ ठिक छ मेरो त्यो मेडिकल मात्रै बाँकी छ दाइ चार पाँच दिनको मात्रै काम हो त्यसपछि मेडिकल गरेर सबै कुरा हेर्नु पर्यो होइन अब त्यही त अब हाम्रो केपी ओलीले नै तिमीलाई बधाई दिनुभएको छ टिकटक मार्फत के मार्फत अरे हाम्रो फेसबुक 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 मार्फत केपी ओली जीसँग यस्तो कुरा गर्नुपर्छ कि यस्तो छ त्यही त होइन राम्रो भइरहेको छ सपोर्ट तिम्रो राम्रो भएको छ होइन सबै कुरा मिलेको छ हामी सबै एक एक हो भन्ने एउटा कुरा चलिरहेको छ होइन ठिक छ हामीले पनि बुहारीको अनुहार हेर्न मन लागेको छ तब त सेलिब्रेसन चाहिँ खतरा हुनुपर्छ है हो दाइ नेपाल नेपाल आइन्छ ठ्याक्कै त्यतिखेर नेपाल आउने त्यो फर्स्ट भिडियो उसँग म फर्स्टसँग हाल्छु होइन त्यति बेला म पनि काठमाडौँ भयो भने अझ रमाइलो हुन्थ्यो म हामीलाई इनबक्समा हामी सबै हुन्छ म रवि अब हामी जो जोसम्म काठमाडौँ होइन सबैजना किपिङ टच म रविसँग छु हामी आउँछौँ हामी पनि त्यसमा के अरे ओके है ओके म आज कन्ट्याक्ट नम्बर पठाइदिन्छु सियो दाइ सियोर सियोर हजुर म त कन्ट भइहाल्छु नि हो दाइ ओके म त्यो दाइ हजुर यी